चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं जोन रिफाइनिंग के बारे में। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी बनते हैं। तो ये कुछ जोन रिफाइनिंग का सेटअप है, इस सेटअप को थोड़ी देर में समझेंगे। पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। दैट की जो इम्प्योरिटीज हैं वो मोर सोल्यूबल होंगी किसमें, मोल्टन स्टेट में एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। व्हाट इज मोल्टन स्टेट, मेल्टिंग स्टेट जो होती है उसे हम लोग मोल्टन स्टेट कहते हैं। देखो हर एक मेथड का एक ना प्रिंसिपल होता है जिसपे वो काम करता है। मैं बार बार बताऊं, जब भी मैं कोई मेथड बताता हूं उसका प्रिंसिपल जरूर बताता हूं जिसपे वो काम करता है। इसका प्रिंसिपल एक ही है, ये एक ही प्रिंसिपल को मान के चलता है कि भैया जो इंप्योरिटीज हैं वो मोल्टन स्टेट में रहना पसंद करती हैं, वो मेल्टेड मेटल में रहना पसंद करती हैं, वो सॉलिड स्टेट में रहना पसंद नहीं करती। कहां पे इसका यूज किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इन मेटल्स की प्योरिटी में, विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी हाई प्योरिटी, वेरी हाई प्योरिटी, क्योंकि इनका यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमी कंडक्टर। अगली बात करें तो कितनी प्योर हो जाती है, बहुत ज्यादा प्योर हो जाती है मेटल, बहुत ज्यादा। कितनी, कि लास्ट में 5 to 7 ppm इंप्योरिटीज रह जाती हैं। समझते हो 5 to 7 ppm का मतलब, 5 to 7 पार्ट पर मिलियन, मतलब अगर मिलियन प्योर मेटल के पार्टिकल्स है ना उनमें 5 to 7 इंप्योरिटी के पार्टिकल्स होंगे, मतलब बिल्कुल है ही नहीं कुछ भी यार, ये है। अभी सेटअप को समझते हैं कि सेटअप में होता क्या है। एक बड़ा सा टैंकर लेते हैं और जो इम्प्योर मेटल है उसकी एक रोड बना दी जाती है, ये इम्प्योर मेटल की रोड है। और नीचे जहां पे हम लगाते हैं मोबाइल हीटर, सर्कुलर मोबाइल हीटर, मोबाइल समझते ना, मोबाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मोबाइल मीन्स मूवेबल, जो मूव कर सकता है। तो फोकस करना, यहां पे वो हीटर है तो वो इस मेटल को पिघला देगा जो यहां पे है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये हीटर आगे जाएगा तो ये मेटल सॉलिड होने लगेगी जो पीछे रह गई है। भाई हीटर तो यहां पे है ना, मेल्ट तो वही से करेगा, इस देखो इस पोर्शन को नहीं करेगा, इस पोर्शन को मेल्ट करेगा। तो जो इस पोर्शन की इंप्योरिटी जब वो इसमें आ जाएंगी, क्यों आ जाएंगी सर, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि इंप्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट। इंप्योरिटीज किसमें रहना पसंद करती है, मोल्टन स्टेट में। तो यहां पर यह मेटल प्योर हो चुकी है, मोल्टन स्टेट यहां आ चुकी है, जो मेल्टेड मेटल है वो यहां पर है, तो इंप्योरिटीज यहां आ गई। फिर मैं इसको थोड़ी और आगे लेके जाऊंगा तो पीछे वाली मेटल सॉलिड होती जाएगी। और जहां पे वो हीटर है, देखो जैसे हीटर यहां पे है तो इस हीटर में क्या है, मेल्ट हो चुकी है मेटल, और जो पीछे वाली सारी इंप्योरिटीज है वो यहां पे आ चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। फिर मैं धीरे धीरे इसको आगे लेके जाऊंगा इंप्योर मेटल, इसमें इंप्योर मेटल को हम हीट करेंगे तो जो इंप्योरिटीज है वो मोल्टन जोन में आएंगी। फिर थोड़ा आगे लेके जाऊंगा पीछे वाली मेटल सॉलिड हो जाएगी, पीछे वाली मेटल क्या होने वाली है सॉलिड, और जो इंप्योरिटीज है वो उस मोल्टन जोन में आ जाएगी। मैं इसको यहां तक लेके चला गया, हमने देखा कि मेटल प्योर हो गया, फिर भी दिल नहीं मान रहा यार अभी भी थोड़ी इंप्योरिटीज हैं। फिर क्या करेंगे, हम इसी स्टेप को दोबारा अब हीटर को इस साइड घुमाएंगे, इंप्योरिटीज कहां आती जाएंगी, इंप्योरिटीज मोल्टन जोन में इकट्ठी होंगी। फिर दोबारा जब तक दिल कर रहा है ना करते रहो, जब तक आपको नहीं लगता यार अभी फुल प्योर हो चुकी है, 5 to 7 टाइम इसको रिपीट करेंगे हम, तो एंड में हमें लगने लगा यार सारी इंप्योरिटीज बिल्कुल मोल्टन जोन में आ चुकी है। फिर एक जगह पे इसको रोक देंगे, मान लो हमने इसको यहां पे रोक दिया तो उसमें सारी सारी इंप्योरिटीज आ चुकी हैं उस मोल्टन जोन में, उसको सूखने दिया जाएगा और फिर उस पीस को फाइनली कट ऑफ कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, इस तरह से हमारे पास बिल्कुल प्योर मेटल बच जाएगी। ये सिंपल सा होता है जोन रिफाइनिंग के अंदर। मुश्किल है क्या, प्रिंसिपल क्या है कि इंप्योरिटीज किसमें घुलना पसंद करती है, किसमें रहना पसंद करती है, मोल्टन शेप में। एक सिंपल समझो, चावल डालने हैं मेरे को, ठीक है, बर्फ में चावल डाल सकते हैं क्या, वो किसमें रहेंगे, वो तो ऑब्वियस है, वो तो पानी में रहेंगे, लिक्विड में रहेंगे, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं रहेंगे। अब जो मेटल है अगर वो सॉलिड हो गया तो इंप्योरिटीज किस, देखो मजबूरी की एक अलग बात है, जब उसे मेल्टेड स्टेट मिल गया तो इंप्योरिटीज वहां पे जाना पसंद करेगी, किस स्टेट में, मेल्टेड स्टेट में। और जहां जहां पे मोल्टन जोन चलेगा वहां वहां पे इंप्योरिटीज भी चलती रहेंगी, और मोल्टन जोन कहां जाएगा, जहां पे हीटर है वो से मेल्ट करता जाएगा। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल प्योर हो चुकी है और जो थोड़ी सी इंप्योरिटी एक जगह पे आप इकट्ठी कर लोगे उसको फाइनली कट कर दिया जाएगा और इस तरह से हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। और मैंने आपको बोल दिया किस लेवल तक की प्योरिटी हो जाती है,
कि एन में 5 to 7 ppm इम्प्योरिटीज रह जाती है, पर मिलियन पार्ट में 5 to 7 पार्ट होते हैं इम्प्योरिटीज के। बस यही है भैया, आसान से आपकी जोन डिफाइनिंग, चिपकाओ इसको, आगे बढ़ते हैं।